हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैंने ब्लाउज का यूनिक दो ब्लाउज का डिजाइन मैं बैक का सिखाने जा रही हूँ। बहुत यूनिक है, एकदम हटकर है। यहाँ से मैंने ये ढाई लिया है दोस्तों, और यहाँ से मैंने तीन लिया है, और यहाँ से मैंने भी ढाई लिया है। ओके, सबको मैंने मिला करके एक बॉक्स बना लिया है और गोल गला मैंने तैयार कर लिया। ओके, अब करना है क्या है दोस्तों, अब ध्यान रखना कभी भी बैक साइड में ये छोटा गला पर डिजाइन बनेगा तो ढाई पे कटेगा, नहीं तो ज्यादातर ब्लाउज दो पे कटता है। आज अगर बैक का गला बड़ा है तो डेढ़ पे कटेगा। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, तीन। अब ये डिजाइन बनाना है दोस्तों। अब यहाँ से अधिकांशतः ब्लाउज का डिजाइन जो होता है 10 इंच पे होता है। ओके, 10 इंच पे होता है। अब क्या करना, इन दोनों को 10, ये बच गया 7 का आधा, 3.5 पर एक लाइन खींचेंगे। ओके, 3.5 के बीच में दोस्तों आधा पे लाइन खींचेंगे। ओके, तो इस तरह से टेप लेकर के आधा पे ये लाइन खींचना है, इन दोनों के हाफ पे लाइन खींचना है। अब यहाँ से कितना खींचना है, यहाँ से आपको 2.5 इंच के लगभग लाइन खींचना है, और यहाँ पे 2.5 इंच के लाइन खींचना है। देखिए डिजाइन कैसा बनता है, आप खुद देखेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से मिला देना है, इसको इस तरह से मिला देना है, इसको इस 2.5 पे मिला देना है, इसको इस 2.5 पे मिला देना है। अब कटिंग करके देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि मैं भी ये डिजाइन पहली बार काट रही हूँ, और बस अपने मन में आया कि इस तरह का डिजाइन बनना चाहिए। नए नए डिजाइन मैं खुद नहीं बनाती, खुद निकालती हूँ। तो अब कटिंग करके देखते हैं कि कैसा बन करके ये तैयार होता है। ओके, पेस्टिंग में काटेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना है। पेस्टिंग में काटने के लिए आपको करना क्या है, पेस्टिंग को इसी टाइप से काटेंगे, सिर्फ ये वाले भाग को इस तरह से करके ये पतला पेस्टिंग में काटेंगे। पेस्टिंग पे रख के, अस्तर पे रख कर करके मेन बेस में कर करके ब्लाउज तैयार करेंगे। ओके, अब इसको मैं खोल कर दिखाऊं, अभी नहीं खोल कर दिखाऊं, मैं दूसरा ब्लाउज एक और डिजाइन दिखाऊंगी, उसकी ड्रॉ करूंगी, तब एक खोलकर एक साथ दिखाऊंगी जादू। अब दूसरा डिजाइन मैं ब्लाउज का दिखाने जा रही हूँ, ये दिल वाला डिजाइन है। मैंने इस टाइप का दिल का डिजाइन मैंने सिखाया था, अब ये उल्टा दिल का डिजाइन मैं सिखा रही हूँ। अभी बंद गला में ही है दोस्तों, बंद गला में है। आप देखो इसमें भी वही मैंने यहाँ पर ढाई लिया है। ओके, ढाई और यहाँ से ढाई, ढाई ढाई को मैंने मिलाया है, और यहाँ से मैंने कितना लिया है, यहाँ से भी मैंने ढाई लिया है। इसलिए ढाई लिया है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ये थोड़ा दिल का बड़ा नहीं बनेगा तो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम 3 भी कर देंगे ना दोस्तों, तभी अच्छा बन जाता है। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे, सॉरी मेरा इंक खत्म हो रहा है। ओके, मैं दूसरा इंक निकाल ली हूँ। अब यहाँ से क्या करना दोस्तों, 1/2 इंच दे कर करके आप इसमें सेप दोगे। ओके, अब देखो हमेशा ब्लाउज में मैं जितने भी क्लास अभी तक से ली हूँ, 27 तक क्लास में ले चुकी हूँ, ये शायद 28वां क्लास होगा, मुझे याद नहीं है, मगर 28वां ही होगा, ये अपलोड करूँगी उसमें याद आएगा, मगर 28वीं क्लास है। ओके, अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, ये 10 इंच का कर करके मैंने यहाँ से 7.5 पे आधा कर लेना दोस्तों। हाफ करने के बाद यहाँ पे आप 3.5 का एक लाइन खींच देना, जिससे कि आपको शेप देने में सुविधा होगी। यहाँ थोड़ा सा कर्व करना, कर्व कर्व करने के बाद ये यू घुमाएंगे सर्कल यू सर्कल बना देंगे। अब यहाँ से हम दिल का फिगर बनाएंगे।
ओके। अगर इसे पेस्टिंग में बनाना होगा दोस्तों, तो इस तरह से पेस्टिंग कटिंग करेंगे, इस तरह से कर करके हम पेस्टिंग कटिंग करेंगे। मगर ये मेरा ब्लाउज में कटिंग है, पेस्टिंग से बनाइएगा तो इस तरह से कटिंग करके, जब ब्लाउज में डायरेक्ट ब्लाउज में बनाइएगा तो ब्लाउज में कटिंग कीजिएगा। ओके, तो मैं ब्लाउज का कटिंग सिखा रही हूँ। ओके, आप देखो इस तरह से कटिंग करती हूँ। ओके, मेरे साथ साथ आप भी अगर जिसने अच्छा कटिंग करना है, किसी से पूछना नहीं, इसे तो कम से कम इसे आप डेली 10 या 12 बार ये कटिंग करोगे तो आपका शेप अच्छा आने लगेगा। अब मैं दिखाऊं दोनों का, डिजाइन नंबर 1 और ये है डिजाइन नंबर 2। अब मैं दिखाती हूँ डिजाइन नंबर 1 को, पहले दिखाऊंगी, देख लो जादू। अब देखो कितना खूबसूरत ये डिजाइन ब्लाउज का बन करके तैयार हुआ है। आप यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, मैं बहुत सारा फ्लावर्स भी सिखाऊंगी, जितने भी फ्लावर्स मैं बताऊंगी यहाँ पर फ्लावर्स आप बना करके आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, डोरी लगा सकते हो, यहाँ पर फ्लावर्स लगा सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लगा करके तैयार करके आप कर सकते हो। ओके, अब डिजाइन नंबर 2 दिखाती हूँ। डिजाइन नंबर 2 इसे तो मैं पहली बार दिमाग लगा कर काटी हूँ कि देखती हूँ कैसा लगता है। देखो डिजाइन नंबर 2 ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ब्लाउज में दोस्तों, बहुत ही प्यारा यूनिक डिजाइन है। प्लीज आप लोग भी इसे बनाइए और शेयर कीजिए। प्लीज 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 प्लीज, आप लोग को अच्छा कटिंग करना है तो आप प्लीज हर वीडियो को पूरा देखें और कम से कम 10 से 12 बार कटिंग करें तो आपका हाथ में फिनिशिंग आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। ओके बाय, आपकी रुद्रा, टाटा बाय।